किसी की सनक किस तरह जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। एक ही परिवार के चार चार जनाजे इस बात की तस्दीक करते। पेशे से शिक्षक पति और पत्नी के साथ दोनों बच्चे, जिन्हें पता ही नहीं था कि घर में जो आया वो मददगार था या फिर उन सभी की सांसें छीन लेने वाला हैवा। घर के बाहर चार लाशें पड़ी, घर परिवार में कोहराम मचा और हर तरफ चीख पुकार मच हुई। जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, हर कोई सन्न रह गया है। यह पूरा मामला अमेठी के शिवरत्नगंज का है, जहां पर गुरुवार की रात कुछ बंदूकधारियों ने घर पर हमला बोल दिया। सुनील को सामने देख उन्होंने उसे गोली से भून डाला। पति को बचाने के लिए बीच में कूदी पूनम भी गोलियों के भेंट चढ़ गई। यही नहीं, आरोपियों ने दोनों मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। 10 से 15 मिनट तक स्थानीय लोगों को गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आती रही। इसके बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। जब लोगों ने घर से बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया। लोगों ने पुलिस को गोलीबारी की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो, लेकिन पूरे परिवार की लाशें आंगन में बिखरी पड़ी थी। हमलावरों को किसी ने देखा नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि पूनम और उसके पति सुनील ने 18 अगस्त को FIR दर्ज करवाई थी, जिसके मुताबिक चंदन वर्मा ने पूनम के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश भी की थी। ये इस मामले में नया खुलासा है। विरोध करने पर पूनम ने उसको थप्पड़ मारा और उसके पति ने भी थप्पड़ मारा था। साथ ही जान से मारने की धमकी भी थी, साथ साथ गंदी गंदी गालियां भी। इसके साथ ही चंदन ने कहा था कि अगर मामले को पुलिस में रिपोर्ट किया तो जान से मार दूंगा। इसके बाद ही पूनम और उसके पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूनम के विरोध और पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने से चंदन चिढ़ गया था। उसने अपने व्हाट्सएप ऐप पर स्टेटस लगाया और लिखा कि जल्द ही 5 लोगों की हत्या सुनने को मिलेगी। चंदन 20 से ज्यादा दिनों तक ये स्टेटस लगाए हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी चंदन को नहीं टोका और ना ही रोका। 4 अक्टूबर को चंदन पहले मंदिर गया और वहां से सीधे पूनम के घर जाकर गोलियां बरसा दी। इस गोलीकांड के बाद से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते इस मामले की कार्रवाई की होती तो इन दोनों मासूमों के साथ माता पिता की जान बच सकती थी। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।